हेलो गाइस, सो क्लैट 24 एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा पास में आ रही है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, क्लैट एग्जामिनेशन देने से हमें हमारे देश के टॉप एनएलयूस दैट इज की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में हम अपना लॉ जो है वो परस्यू कर सकते हैं, लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हैं। अब कंसोर्टियम ने कुछ कॉलेजेस जो है दैट इज नॉन एनएलयूज की एक लिस्ट जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है जो क्लैट 24 का स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी नॉन एनएलयूज प्राइवेट कॉलेजेस है जो क्लैट 24 का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। तो सबसे पहले गाइज आपको जाना है कंसोर्टियम की वेबसाइट पे। वहां पे जाने के बाद आपको क्लैट 24 पे क्लिक करना है। उसके बाद यू हैव टू गो टू अफिलियट्स एंड उसमें ही आपको जो है ये प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फॉलोइंग प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है जिन्होंने एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू के साथ ताकि ये क्लैट के स्कोर जो है वो एक्सेप्ट कर पाए। मतलब कि आप क्लैट 24 एग्जामिनेशन का जो आपका रैंक होगा, जो आपका स्कोर होगा, ये इन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं अक्रॉस इंडिया, ये आपका स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं इन कॉलेजेस के बारे में। एंड अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक भी डाल के रखा है उस पर्टिकुलर कॉलेज का, कि वहां पे जाने के बाद आप उस कॉलेज के करिकुलर क्या है, क्या फैकल्टीज जो है वहां पे पढ़ाने वाली है, अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके के कोर्सेस जो है ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसके प्लेसमेंट्स कैसे है, एल्यूमनाई कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उन कॉलेजेस में जहां पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे जाके आप देख सकते। ये प्राइवेट कॉलेजेस आपको गाइस प्रेफरेंस लिस्ट में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलेजेस आपका स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है एंड यहाँ पे इट विल बी आउटसाइड द कैप राउंड ऑफ द क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं एशियन लॉ कॉलेज। एशियन लॉ कॉलेज नोएडा में सिचुएटेड है और आपको BA LLB कोर्स जो है इस कॉलेज में ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट है बिट्स लॉ स्कूल, ये मुंबई पवई में सिचुएटेड है एंड यहाँ पे आपको BA LLB कोर्स जो है वो ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फेयरफील्ड स्कूल ऑफ लॉ, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे आपको BA और BBA LLB कोर्स जो है वो ऑफर किया जाएगा। गाइस ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस है एंड इंफॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद उसकी मिल जाएगी। रिमेम्बर ये एनएलयूज नहीं है, ये प्राइवेट लॉ स्कूल्स है जो आपका क्लैट 24 का स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है। सो जस्ट केस आपका जो स्कोर है, जो रैंक आया है क्लैट 24 का, उसमें आपका डिजायर्ड एनएलयू आपको नहीं मिल रहा है, सो दीज ऑप्शंस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। उसके बाद आता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको BA एंड BBA कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट है GD गोयनका यूनिवर्सिटी, या ये गुरुग्राम हरियाणा में है और यहाँ पे आपको 3 तरीके के कोर्सेस ऑफर किए जाएंगे, BA BBA एंड BCom LLP। नेक्स्ट है GLS यूनिवर्सिटी, इसको प्रमोट करता है गुजरात लॉ सोसाइटी सिंस 1927 एंड ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको 2 तरीके के कोर्सेस दैट इज BA एंड BBA LLB कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी, ये जो है स्पेसिफिकली देहरादून दैट इज उत्तराखंड में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको 2 तरीके के कोर्सेस दैट इज BA एंड BBA LLB कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ पे भी अगेन 2 तरीके के कोर्सेस दैट इज BA एंड BBA LLB कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। रिमेम्बर गाइस ये सारे कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट्स है वो स्टार्ट होता है 6 लाख पर एनम से एंड इट कैन गो एज हाई एज 30 to 32 लाख रुपीज पर एनम। तो उसकी डिटेल जानकारी आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर आप वहां पे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉयड लॉ कॉलेज विच इज इन नोएडा एंड यहाँ पे
सिर्फ BA LLB कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है, और इसमें टोटल 60 सीट्स है। कुछ कॉलेजेस ने ऑलरेडी अपनी जो सीट्स है CLAT 24 के लिए एक्सेप्टेंस के लिए वो अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट है NIEMT, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विच इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये गाजियाबाद में सिचुएटेड है। ऑल द कॉलेजेस आर गाइज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सारे लॉ कॉलेजेस, आपका लॉ डिग्री तभी वैलिड होगा जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये यहाँ पे इस कॉलेज में आपको BA LLB कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो रूरकी इंडिया में है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है दो तरीके के कोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, BA एंड BBA LLB। नेक्स्ट इज SRM यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली NCR सोनीपत में है। यहाँ पे आपको BBA LLB कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है किरीट बी मेहता स्कूल, विच इज इन मुंबई स्कूल ऑफ लॉ। ये मुंबई में है, वन ऑफ द टॉप रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेजेस है। अगर हम देखें तो ये सारे लॉ कॉलेजेस, यहाँ पे आपको BA एंड BBA LLB कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है UPES, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। स्पेसिफिकली ये जो है लोकेटेड है उत्तराखंड मिसार पट्टी में, एंड ये कॉलेज जो है यहाँ पे आपको तीन तरीके के कोर्सेस देखने को मिलेंगे, दैट इज BCom, BA एंड BBA। नेक्स्ट इज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, NAC अक्रेडिटेड भी है। एंड द लास्ट वन इज VMLS यूनिवर्सिटी, जो चेन्नई में है। इसको मेंटर करता है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी तीन तरीके के कोर्सेस, दैट इज BA BBA एंड BCom के कोर्सेस अवेलेबल है। इन सारी यूनिवर्सिटीज ने गाइस एक MOU साइन किया हुआ है, एज वी जस्ट सॉ, कंसोर्टियम के साथ। सो ये आपका प्लान बी, दैट इज बैकअप प्लान हो सकता है कि अगर सपोजिंगली आप NLU में नहीं जा पा रहे हो, या आपका जो डिजायर्ड NLU है अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट आउट फॉर दीज लॉ कॉलेजेस। सो फॉलो PEDUcare फॉर मोर सच अपडेट्स। हम ऐसे ही अपडेट्स लेके आएंगे एंट्रेंस एग्जाम को लेके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। PEDUcare इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट, जो आपको क्लैट, CET एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन करवाते हैं। आप इन नंबर्स पे से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।